हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम। मैं आज आप लोगों को एडोबी इन डिज़ाइन CS6 के अंदर ये बताऊंगा कैसे हम लोग टेक्स्ट को 3 या 4 कॉलम्स में कैसे डिवाइड करते हैं। ये मैं आपको एडोबी इन डिज़ाइन CS6 के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले आप अपना एडोबी इन डिज़ाइन CS6 को खोलें। खोलने के बाद जैसे ही आप देख सकते हैं, मेरा एडोबी इन डिज़ाइन CS6 खुला हुआ है और ये डॉक्यूमेंट पेज में देख सकते हैं कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं। इस टेक्स्ट को मुझे 3 भागों में डिवाइड करना है, मैंने 3 कॉलम्स देना है। 3 कॉलम्स कैसे देंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये जो टेक्स्ट, ये जो टूल बॉक्स है, यहाँ देखें टाइप टूल, जिससे कि हम लोग टेक्स्ट टाइप करते हैं। तो टेक्स्ट टाइप करने के लिए आपको इस तरह का अगर टेक्स्ट टाइप करना होगा तो आपको सबसे पहले टेक्स्ट टाइप टूल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद एक क्लिक करके आप एरिया सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको टेक्स्ट टाइप करना होगा, इस तरह आपको टेक्स्ट टाइप करना होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो टेक्स्ट है, ऊपर का जो टेक्स्ट है, इसे 3 कॉलम्स में हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो सबसे आसान तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप टेक्स्ट टाइप कर लें, उसके बाद ये जो पिक टू सॉरी सिलेक्शन टूल है, यहाँ पे देख सकते हैं टूल बॉक्स के अंदर, इसे बोलते हैं सिलेक्शन टूल, इस पर क्लिक करें। और जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, देखिएगा उसके चारों तरफ जब आप टेक्स्ट लिखते हैं, जब एक फ्रेम क्रिएट होता है टेक्स्ट का, उसके चारों तरफ आपको एक लाइन दिखाई देगा, उसको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। ये मेरा टेक्स्ट पूरा का पूरा टेक्स्ट, ये जो पैराग्राफ है, ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं हल्का सा ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इस टेक्स्ट को मैं 3 भागों में जैसे कॉलम के रूप में डिवाइड करूँगा। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले सिलेक्ट कर लें, उसके बाद ये जो कंट्रोल बार है, ये सबसे ऊपर में देखेंगे ये मेनू बार है, उसके ठीक नीचे देखें ये कंट्रोल बार है। कंट्रोल बार में जैसे ही आप नज़र दौड़ाएंगे तो ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये जो बगल में है नंबर ऑफ़ कॉलम लिखा हुआ है, यहाँ पर रखने कर्सर रखने से आपको पता चलेगा नंबर ऑफ़ कॉलम। यहाँ पर देखिए अभी कॉलम 1 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे 1 कॉलम है, ऐसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे 3 कॉलम्स, ऊपर का छोटा ट्रायंगल का बटन दिखाई दे रहा ऊपर में 3 कॉलम्स, और इसके कम करने के लिए नीचे में डाउन एक छोटा सा ट्रायंगल का छोटा सा बटन है, आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं। अभी मैंने 3 कॉलम्स दिया है, तो देख सकते हैं मेरा वो टेक्स्ट फर्स्ट कॉलम, ये मेरा दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, 3 कॉलम्स में मेरा टेक्स्ट डिवाइड हो गया इस तरह। आप चाहे तो इसे 4 कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए अगेन आप जाएं कंट्रोल बार में, यहाँ पे देखें 3 कॉलम से, यहाँ से आप क्लिक करें, 4 कर दिया, देखिए 4 कॉलम्स के अंदर मेरा टेक्स्ट डिवाइड हो गया, देख सकते हैं ये देखिए। उसके बाद आप अगर 5 करना, 5 कॉलम, यहाँ पे कंट्रोल बार में जाके जो कॉलम का ये जो बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करें 5, या यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं क्लिक करके। देखिए मैं जो टेक्स्ट है, पैराग्राफ टेक्स्ट, वो 5 कॉलम्स में डिवाइड हो गया, ये देखिए। अब आप चाहते हैं नहीं, पहला एक ही कॉलम में पहले की तरह आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन आप कंट्रोल बार जो है वहाँ पे सबसे कॉर्नर पोर्शन में जाएंगे, ये आपका कॉलम के लिए, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर इसको डाउन में 1 कर दें, 1 1 टाइप भी कर सकते, अभी 1 कर दिया मैंने, तो देख सकते हैं पहले की तरह मेरा टेक्स्ट पैराग्राफ टेक्स्ट ये मेरा 1 कॉलम में कन्वर्ट हो गया। सिंपल है, सबसे पहले आपको टेक्स्ट लिखना है, उसके बाद लिखने के बाद आप सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना है, पूरा का पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर में देखें टाइटल, सॉरी ये मेनू बार है, ठीक उसके नीचे देखेंगे ये आपका कंट्रोल बार है, यहाँ पर देखें कॉर्नर तरफ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कर्सर जैसे रखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए, यहाँ पे आप क्लिक कर दें, अभी 1 कॉलम दिखाई दे रहा है। अगर जितना लेना है आपको 3 4 5 6, आप टाइप भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऊपर इंक्रीज़ के लिए कॉलम नंबर इंक्रीज़ करने क्लिक करते जाएं तो आप नंबर ऑफ कॉलम बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 5 कॉलम्स मैंने ले लिए हैं, ये देखिए पहला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। आप जितना चाहे उतने कॉलम्स में आप अपने टेक्स्ट को डिवाइड कर सकते हैं। आप ये जो बीच का जो गैप है, एक कॉलम के बाद दूसरा कॉलम जो लिया हुआ है, इस गैप को भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके लिए अब नीचे में जैसे देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स, उसके ठीक नीचे गटर है, उस पर आप चाहें तो यहाँ से आप उसका स्पेस बढ़ा भी सकते हैं और उसका स्पेस कम भी कर सकते हैं, ये आपके हाथों पे है। अब इस पैराग्राफ टेक्स्ट को हम 1 कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसके लिए आप अगेन यहाँ पे 1
यहाँ पे जाएं, ये जो कॉलम है नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे वन कर दें, तो आपका टेक्स्ट पहले की तरह वन कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग अपने टेक्स्ट पैराग्राफ को 3 या 4 कॉलम में कैसे डिवाइड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।